वैसे सर टैप किसे कर रही है, कौन है? बड़ी हस्ती है। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। पूरा शहर इनके कब्जे में है। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। क्या दिल चले 2 में नजर आएंगे अजय देवगन या होगी न्यू स्टार कास्ट की एंट्री? क्या सुनील शेट्टी को दिल चले 2 में किया जाने वाला है रीकास्ट? आखिर कैसा होगा उनका किरदार? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे 1996 में रिलीज हुई अजय देवगन, सोनाली बिंद्रे और शक्ति कपूर और अमरीश पुरी की सुपरहिट फिल्म दिल जले के अपकमिंग सीक्वल के बारे में। दिल जले फिल्म 90s की काफी सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म का कॉन्सेप्ट, फिल्म के गाने, हर एक चीज ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। उसी कॉन्सेप्ट के साथ आज के समय में वापस से सुपरहिट फिल्म को बनाने का आइडिया लेकर दिल जले का सीक्वल बनाने का सोचा जा रहा है। 1996 में जो अभी फिल्म रिलीज हुई थी तब अजय देवगन न्यू कमर स्टार थे, साथ ही सोनाली बिंद्रे का भी करियर ग्राफ भी उठने लगा था। लेकिन अब फिल्म के सीक्वल में किसी न्यू अपकमिंग स्टार को मौका दिया जाएगा या फिर अजय देवगन, जो कि ऑलरेडी बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, उन्हें इस फिल्म में रीकास्ट किया जाएगा? दिल जले की सेकंड सीक्वल को एक पैट्रियोटिक फिल्म के तौर पर दिखाया जा सकता है, जिसमें अजय देवगन को एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के रोल में कास्ट कर सकते हैं, जो कि एक न्यू रिक्रूटेड ऑफिसर को आर्मी ट्रेनिंग और अपना वॉर एक्सपीरियंस बताते हुए उनकी काफी हेल्प करते हैं और एक बहुत बड़े बैटल के लिए उस ऑफिसर को तैयार भी करते हैं। इस तरह से फिल्म की ओरिजिनल जान अजय देवगन स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे और साथ ही साथ एक अपकमिंग न्यू स्टार भी इस लेगेसी का हिस्सा बन सकेगा। काफी बार देखा गया है कि पहले के मुकाबले के अब के जो अपकमिंग स्टार्स हैं उनमें एक्टिंग स्किल्स और इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, जिस वजह से ज्यादातर एक्टर्स एक्शन ड्रामा रोमांटिक फिल्म करते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा कौन सा यंग स्टार होगा जिसे इस फिल्म में हीरो के रोल के लिए कास्ट किया जाएगा और फिल्म के एक पैट्रियोटिक अवतार के लिए परफेक्ट बैठेगा? दिल जले फिल्म में जहां लीड हीरो अजय देवगन थे, वहीं फिल्म के विलन अमरीश पुरी साहब थे। सभी जानते हैं कि अमरीश पुरी साहब कितने बड़े लेजेंडरी एक्टर और विलन रह चुके हैं। उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में विलन का किरदार ही निभाया है। अमरीश पुरी को टक्कर दे सके ऐसा आज के टाइम पर कोई भी बॉलीवुड में विलन नहीं है। इसलिए सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि दिल जले 2 के विलन के लिए उसी जमाने के एक लेजेंडरी स्टार को नेगेटिव रोल के लिए कास्ट किया जा सकता है और उस स्टार का नाम है सुनील शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, सुनील शेट्टी 90s के जमाने के बहुत बड़े हीरो और साथ ही साथ एक मशहूर विलन भी रह चुके हैं। सुनील शेट्टी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही किरदार बड़े ही बखूबी निभाते हैं। 90s के स्टार्स का बिग स्क्रीन पर आना बहुत कम हो गया है और आजकल रिलीज हो रही मूवीज में उनकी कमी भी साफ साफ नजर आती है। जो एक्टिंग और इंटेंसिटी इन स्टार्स में हुआ करती थी, आज के बॉलीवुड की यंग स्टार्स में नजर नहीं आती है। इसलिए दिल जले फिल्म की इंटेंसिटी और फ्लाइट को मेंटेन करने के लिए रिस्क उठाना पड़ेगा मेकर्स को। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, दिल जले फिल्म की स्टार कास्ट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? क्या सुनील शेट्टी का नेगेटिव किरदार ऑडियंस को पसंद आएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल बॉडीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।